हमारे दरमियान बैठे हुए हमारे मशवरा देने वाले हजरात और आप तमाम हमारे साथियों, बात यह कि कोई हमारी आवामी तकरीब नहीं थी, कोई अखबार में या कोई एजेंडा दे के किसी को नहीं बुलाया गया, लेकिन ऐसा हुआ कि लोगों की तादाद बढ़ गई। तो मशवरा ये हुआ सात रुकनी कमेटी का कि हम अहदे का ऐलान कर दें, क्योंकि एक महीना हो चुका था सदारत के ऐलान के बाद और अकेले काम करने में तकलीफ आ रही थी। जब तक साथ मिल के काम बांटा नहीं जाएगा, क्योंकि पार्टी से तवक्के शहर को बहुत ज़्यादा है और उसमें काम बहुत ज़्यादा करना पड़ रहा है, अकेले किसी के बस का नहीं है। वर्कर खुद अपनी जिम्मेदारी समझ के बहुत सारा काम अपनी तौर पे करते हैं, लेकिन इसके बावजूद जिम्मेदारान को ओहदा देना बहुत ज़रूरी था। इसलिए नायब सदर का और बाकी अहदेदारान का ऐलान आज हम लोग कर रहे हैं। बाकी अपनी पार्टी के दूसरे और कई कमेटियों का ऐलान जो है वो शायाना शान उनके कमेटी के मुताबिक होगा आगे भी, लेकिन अभी जो मुझे काम करने में तकलीफ आ रही है तो साथियों की बहुत ज़रूरत थी, तो फौरी तौर पे सोचा गया कि आज ऐलान कर दिया जाए। यहाँ बात हो रही थी कि हम किसी की भीख का इंतज़ार कर रहे हैं कि अगर किसी मखसूस पार्टी की सत्ता आ गई तो हमको वो 100 करोड़ की भीख देंगे। यूसुफ भाई बता रहे थे कि 450 करोड़, उसमें से 400 करोड़ तो मालेगांव के मशरकी हिस्से के लोग देते हैं कारपोरेशन को, उसके बाद हमको 100 करोड़ की भीख का इंतज़ार करना है, वो भी इस शर्त पर कि अगर उनकी पार्टी का इक्तदार आए। ऐसा लग रहा था कि उनकी पार्टी का इक्तदार आने के बाद उनका मिनिस्टर जो है अपने घर की मिल्कियत बेच के हमको ये 100 करोड़ देने वाला है, जबकि हम 400 करोड़ मशरकी इलाके के लोग कारपोरेशन को जमा करते हैं, इसके अलावा इनकम टैक्स, सेल टैक्स और दूसरे टैक्स हम सेंट्रल गवर्नमेंट को जमा करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को जमा करते हैं। इसके बावजूद जैसा रिजवान सर ने बताया कि मालेगांव शहर हमेशा बांटने वाला है, हम दान करने वाले हैं, तुम ये तो बताओ कि तुमने ये जो 5 साल में हमारा दान किया हुआ पैसा कहाँ खर्च किया? तुमने लिया मशरकी इलाके से और दिया मगरबी इलाके को, क्योंकि तुम डरते थे उस इलाके के लीडरों से, और तुमने जो इख्तदार हासिल किया इस बुनियाद पे कि तुम यहाँ से खून चूसोगे और उनको ताकत पहुँचाओगे। जब अंग्रेजों पे अंग्रेज चले गए, उसके बाद बहुत सारे तबसरे हुए, तो उसमें ये बात हुई कि मुगलों ने हिंदुस्तान में हुकूमत की, दूसरे राजाओं ने हुकूमत की, लेकिन उन्होंने यहाँ लोगों का फलाही काम भी किया, लेकिन अंग्रेज जब यहाँ से गए तो उनके बारे में एक मुफक्किर का कहना था कि अंग्रेज वो थे जो हिंदुस्तान की सूरज से तपिश लेकर, जो समुंदर से भाप लेकर बादल हिंदुस्तान में बनाए, लेकिन बरसे जाके इंग्लैंड में। तो यही है कांग्रेस और यहाँ से हुकूमत का जो सत्ता में जो लोग है कारपोरेशन में, वो टैक्स मशरकी इलाके से वसूल करते, मेहनत मशरकी इलाके से करते, सब कुछ यहाँ जमा करके तोहफा मगरबी इलाके में जाकर दे देते हैं। ये हमारे साथ जो हो रहा है इसके खिलाफ हमको जनता दल की मजबूत करके, हमको किसी का मोहताज नहीं रहना है, हम जितना टैक्स उतना काम। 2002 में जब साथी निहाल अहमद साहब मेयर बने तो उन्होंने ये तय कर लिया था कि मेरे काम का तरीका ये होगा कि जिस इलाके से जितना टैक्स उतना काम, तो उन्होंने यही किया। 80% काम मशरकी इलाके में किया, क्योंकि 80% जो है टैक्सेस मशरकी इलाके के लोग देते थे और 20% काम मगरबी इलाके, क्योंकि वो उतना ही टैक्स देते थे। लेकिन आज आप देखेंगे तो 80% काम उस इलाके में होता है, यहाँ तक के हमारे हक का पानी भी चला गया जा रहा है, सिवाय अगर जनता दल और तुम सब वर्कर मिलके ताकत नहीं बने होते जनता दल की, तो समझ लो कि ये लोग पानी का भी सौदा कर चुके होते और एक गांव, दो गांव, तीन गांव, न जाने कितने गांव को वो पानी दे दिए होते और हम दूसरे जिले के मोहताज रहते। आज जनता दल की ताकत पूरे शहर में बढ़ रही है, लोग हमारे साथ जुट रहे हैं। उसकी वजह यह है कि जो भरोसा साथी निहाल अहमद साहब के ऊपर था, वो भरोसा आज उनकी पार्टी पर लोग आज भी कर रहे हैं। आज जब हम मुतहर्रिक हुए तो लोग हमारे साथ आने लगे और बोलने लगे इस मसले पर भी बोलो, कि लोगों की आवाम की मोहब्बत है कि तुमको आकर वो मसाइल बताते हैं। कोई भी आदमी अकेला कुछ नहीं होता,
सबको मिलकर काम करना पड़ता है। मैं जानती हूँ कि हमारे शहर के अहदेदारान से ज़्यादा, हमारी पार्टी के अहदेदारान से ज़्यादा हमारा वर्कर जिम्मेदारी का एहसास करता है और अपने तौर से वो पार्टी को बढ़ाने का काम करता रहता है, लेकिन जिम्मेदारी कहीं ना कहीं बांटनी पड़ती है। इसलिए हमने ये तय किया कि मखसूस लोगों को जिम्मेदारी दी जाए। अभी मेरे पास आके बोला गया कि इससे पहले किसी पार्टी का, हमारे पड़ोस में जिनकी ऑफिस है, उन्होंने अहदा बांटा, 600-700 लोगों को अहदा बांट दिया। अहदा बांटने के बाद उनको खुद नहीं याद था कि उन्होंने किसको क्या अहदा दिया। तो लोग क्या पहचानेंगे कि फला क्या है फला क्या है? ना कोई शऊर देखा, ना कोई काबिलियत देखी, ना कुछ उसके अंदर कोई हुनर देखा। बस दे दिए, बस ये भी खुश हो जाए, ये भी खुश हो जाए, ये भी खुश हो जाए। ये चक्कर में वो खुद भूल गए कि फला अहदा फला को दिया गया था। लेकिन हम काबिलियत पे, इंसान की मसरूफियत कम हो, जिनको जो हमारे लिए वक्त दे पाए, ऐसे लोगों को अहदा देने का आज ऐलान यहाँ किया जा रहा है। जनता दल की बुनियादी जो बॉडी है उसके ताल्लुक से, उसके बाद युवा जनता दल की, महिला आघाड़ी की ऐसी दूसरी कमेटियाँ बनेगी जिसका भी ऐलान हम लोग करें। मैं जनता दल की सदर, मुझे काम की आसानी के लिए हमने ये तय किया है कि 3 जनता दल के नायब सदर रहेंगे, जिसमें से आज 2 सदर का ऐलान किया जा रहा है, जिनमें पहला नाम है हमारे कलीम शाह भैयालाल, जिनको नायब सदर, जनता दल के नायब सदर का अहदा दिया जा रहा है। जैसे मैंने पहले कहा था कि जनता दल दो सोच, निहाली सोच पर दो तरीके से काम करेगी, एक हमारे पुराने लोगों के तजुर्बा और दूसरा नए नौजवानों के जोश के साथ। तो वैसे ही हमने तय किया कि हमारे दूसरे सदर जो रहोंगे, खुर्शीद अहमद मोहम्मद इलियास काबुल, जनता दल के सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी का अहदा जो है वो मोहम्मद मुस्तकीम मोहम्मद मुस्तफ़ा डिग्निटी। इसके बाद ज्वाइंट सेक्रेटरी की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि हर जगह सेक्रेटरी मौजूद नहीं होते हैं। ऐसे सूरत में हमने ऐलान किया, हमारे साथ ही आए हुए जो इंतहाई मेहनतकश हैं, जो पार्टी के लिए और आवाम के लिए ऐसे भी काम किया करते हैं, यही अब्दुल जब्बार। प्रोपगंडा आज के दौर में अपने काम का लोगों तक पहुंचाना ये बहुत ज़रूरी है, इसलिए प्रोपगंडा सेक्रेटरी का हम नाम जो है सोहेल अब्दुल करीम, और 2 प्रवक्ता जो हमारी पार्टी के प्रवक्ता, इससे पहले भी 2 हुआ करते थे, अब जो है अनीस मिस्त्री साहब और दूसरे मुईन अख्तर मोहम्मद यासीन। ऐसे हमने इतने अहदों का आज ऐलान किया है। एक नायब सदर का ऐलान बाद में होगा, तो शहर बहुत बड़ा हो गया है, शहर के अलग अलग हिस्से से लोग रहे ताकि काम करने में आसानी हो। मैं मुबारकबाद पेश करती हूँ जिनको अहदा दिया गया है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि अभी आप लोग जो पार्टी के लिए काम कर रहे थे, इस शहर की आवाम के लिए काम कर रहे थे, एक बात समझ लो, जनता दल में काम करना, पार्टी का काम करना मतलब सिर्फ यही होता है कि खिदमत खल्क खुलूस के साथ करना। हमारा ये मकसद होता है कि गरीब लोगों को, हर तबके के लोगों को, चाहे वो बुनकर हो, चाहे मजदूर हो, चाहे वो 65 साल के लोग हो, चाहे बेवा हो, चाहे किसी तरह का भी सरकारी दरबारी काम हमारे पास कोई लेकर आता है, तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि उसको किया जाए। तो मैं यही उम्मीद करती हूँ इस सारे अहदेदारान से कि आप लोग जिस तरह काम किया करते थे, उससे ज़्यादा वक्त आप पार्टी और आवाम के लिए दे, ऐसे मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है। मैं मुबारकबाद पेश करती हूँ उन नौजवान को, शब्बीर पहलवान साहब के, शब्बीर पंजाबी साहब के पोते को, जिन्होंने मालेगांव का नाम ऊंचा किया, और उसका इस्तकबाल करना यहाँ ज़रूरी इसलिए था कि आज उसने पूरे महाराष्ट्र में मालेगांव का नाम बुलंद किया, और मालेगांव शहर अपनी जो इंफरादियत रखता है, ऐसे ही सितारे हैं जिनकी वजह से मालेगांव को पहचाना जाता है। मैं नेक ख्वाहिश उसको देती हूँ कि वो आगे भी मालेगांव शहर के लिए काम करे और अपने साथियों को जो इस फील्ड में है उनके लिए मददगार साबित हो।